क्या इंडिया के पहले स्कैम के पीछे पंडित नेहरू जी का हाथ था? ऐसा क्या हुआ था इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय कि नेताजी के अपने ही लोगों ने उनसे गद्दारी कर बैठी? कहां गए आजादी के समय वो कलेक्ट किए गए करोड़ों रुपए? और आज तक उस स्कैम पे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? हर्षद मेहता स्कैम के बाद स्कैम्स को लेकर इंडियंस में एक अलग ही रुचि है। कुछ ऐसे स्कैम्स हुए है 1992 हर्षद इज अ हीरो क्योंकि शांगा आपने सेक्स किया है क्या? देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ। इस बार स्कैम इतना बड़ा था कि मैथमेटिशियंस के देश में जीरो कम पड़ गए। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में इंडिया में की गई हर एक स्कैम के बारे में इस चैनल वॉलकॉन्ग पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स एज थिंग्स आर अबाउट टू गेट स्पाइसी। सो शुरू करते हैं इंडिया के पहले स्कैम यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA गोल्ड ट्रेजरी स्कैम केस, जिसका आज के रेट में वैल्यूएशन अप्रोक्स 300 करोड़ होगा। मधुसूदन मुखर्जी की लिखी गई किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में बताया गया है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे तो उसे सुनकर महिलाएं अपने जेवर उतार के उनके सामने रख देती थी। ऐसी एक भाषण सुनकर एक रिच स्कियोन मतलब अ डिसेंडेंट फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली को हम लोग बोलते हैं, तो एक रिच स्कियोन जिनका नाम था हीराबेन बेतानी, उन्होंने अपने 13 हार को नेताजी को दान में दे दिया था, जिसकी कीमत उस समय अप्रोक्स 1.5 लाख रुपीज से आज का पूछना भी मत। साथ ही हबीब साहब नाम के एक रईस आदमी INA के फंड में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा की थी। और तो और रंगून के एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन VK नादर ने आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ एंड 2800 गोल्ड कॉइन्स दान में दिए थे। वो दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब जापान ब्रिटेन के खिलाफ होने के कारण INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे उसको फंडिंग देता था। क्विक फैक्ट, वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप थे, एक एक्सिस पावर एक अलाइड पावर। अलाइज ग्रुप में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस थे, एंड एक्सिस पावर में जापान, जर्मनी और इटली थे। कंट्रीज का नाम गौर देना क्योंकि बाद में स्टोरी में काम आएगा। नाउ रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल स्टोरी, जो कि ये है कि ब्रिटेन और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में ऑपोजिट साइड में थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी समय में जापान ब्रिटेन के सामने ऑलमोस्ट हार ही चुका था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद जापान वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर चुका था। और नेताजी नहीं चाहते थे कि INA की फंडिंग पूरे जापान पे डिपेंडेंट रहे, इसलिए उन्होंने अपने आर्मी को लेकर बहुत सारे कैंपेन्स इंडिया में रन किए, जिसका उनको ह्यूज रिस्पॉन्स भी मिला। जनवरी 1945 की बात है, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे एक ह्यूज कैंपेन वो चलाए, और नेताजी भारत के लोगों में इतने पॉपुलर थे कि उनका बर्थडे 1 सप्ताह तक सेलिब्रेट किया गया, जिसके दौरान 2 करोड़ रुपए और 80 kg गोल्ड कलेक्ट किया गया। माइंड इट, 80 kg गोल्ड। अब ये गोल्ड के अमाउंट पे ध्यान रखना, क्योंकि पूरा मिस्ट्री एंड स्कैम इसी गोल्ड को लेके। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग के बाद जब जापान ब्रिटेन के सामने सरेंडर ही करने वाला था, तब नेताजी उस समय सिंगापुर में थे। क्विक फैक्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के समय सिंगापुर जापान के अंडर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर के बाद ब्रिटेन उसको रीऑक्यूपाई करने वाले थे, और नेताजी को ये बात पता था, तो उन्होंने क्विक डिसीजन लिया कि INA का जितना भी फंड है सब सिंगापुर से बाहर भेजवाया जाए, क्योंकि अगर ब्रिटेन सिंगापुर को रीऑक्यूपाई करता है तो वो फंड जो सिंगापुर में अटक जाएगा उसको हम लोग कभी भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं यूज कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसके बाद 16 अगस्त 1945 सुबह सिंगापुर से नेताजी आजाद हिंद बैंक के चेयरपर्सन देवनाथ दास को एक मैसेज भेजे और उन्होंने पूरा फंड सिंगापुर से बैंकॉक भेज दिया। फिर सेम डे दोपहर में नेताजी भी बैंकॉक पहुंचे और IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेडक्वार्टर्स जाके वहां INA और IIL के जितने भी फ्रीडम फाइटर और सोल्जर्स वहां लड़ रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर, बोलूंगे 3 महीने का एडवांस सैलरी निकलवाए। क्यों निकलवाए? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E=E यानी इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, यानी वही सब एम्पायर फ्लरिश और बहुत दिन तक रूल कर सकता है, फाइट कर सकता है, जिसके पास ये है। तो नेताजी जानते थे कि बिना इसके कोई भी फ्रीडम फाइटर से कोई भी आदमी का मोटिवेशन इतना नहीं रहेगा कि कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म तक फाइट कर पाए, इसलिए वो एडवांस में 3 महीने का सैलरी सबको दे दी। फिर सेम डे शाम में एक मीटिंग हुई जिसमें नेताजी और देवनाथ दास के अलावा आजाद हिंद सरकार के एक मंत्री SA अय्यर, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह एंड मेजर अबिद हसन मौजूद थे, और इन लोगों में से कोई एक था जो INA ट्रेजरी स्कैम का मेन आदमी था, मेन पर्सन था। फिर मीटिंग होने के बाद और INA के पूरे
फंड्स एंड गोल्ड का अकाउंट्स होने के बाद 17 अगस्त 1945 सुबह को नेताजी और उनके बाकी सारी मेंबर्स फंड्स को बॉक्सेस में डिवाइड करके वियतनाम के साइगांव एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत उठता है कि नेताजी एक्चुअली जा कहां रहे थे। ऑल्दो नेताजी बहुत ही ड्रिवन और एक करिश्मेटिक लीडर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जापानीज के हिसाब से नेताजी बहुत मिलिट्री अनस्किलफुल थे एंड उनका जो मिलिट्री रेंज था INA में वो भी बहुत छोटा एंड शॉर्ट लिव्ड था। लेट 1944 एंड अर्ली 1945 में जापान जो अटैक किया ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया पे INA सोल्जर्स के हेल्प से, जिसको सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे, ब्रिटिश बहुत बुरी तरीके से डिफीट किए जापानीज एंड INA सोल्जर्स को। एज ब्रिटिशर्स के साथ वर्ल्ड के सबसे डेंजरस सोल्जर्स एंड रेजिमेंट थे गोरखा रेजिमेंट, जिसके कारण हाफ ऑफ जापानीज फोर्सेस एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ INA वर किल्ड एंड बाकी मेंबर्स ऑफ INA भागते भागते मले पेनिनसुला चले गए। और जब फाइनली जापान सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर में, तो सिंगापुर जब फाइनली हैंडओवर हुआ फ्रॉम जापान टू ब्रिटिश, INA के बाकी मेंबर्स भी अपने आप को सरेंडर कर दिए। तो फिर नेताजी सोचे लगता है अब सोवियत यूनियन जाने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो चुका था और वर्ल्ड में नए दो सुपर पावर इमर्ज किए थे, USA एंड USSR। USA अपने अंडर पूरा वेस्टर्न यूरोप को ले जाना चाहता था और USSR या सोवियत यूनियन अपने अंदर पूरा ईस्टर्न यूरोप को, जिसके चलते एक आयरन कर्टन बन गया था पूरा यूरोप में, जो बाद में हम लोग कोल्ड वॉर में भी समझेंगे। लेकिन USA जो वेस्टर्न यूरोप को अपने अंदर ले गया था एक नया ग्रुप बनाने के लिए जो बाद में नाटो नाम पड़ा, तो उसमें ब्रिटेन भी था और USSR तब ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानने लगा क्योंकि ब्रिटेन USA के ग्रुप में चले गया था। जो नेताजी सोचे क्योंकि USSR या सोवियत यूनियन ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानने लगा, तो अब नेक्स्ट कंट्री जहां जाने का समय आ गया है वो है सोवियत यूनियन, क्योंकि वही एक जगह है जहां जाके हम लोग पोटेंशियली इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस सोचे कि अब सोवियत यूनियन जाना चाहिए। तो वो क्या रास्ता लिए? जो फंड थाईलैंड से वियतनाम के साइगांव एयरपोर्ट गया वो सोचे साइगांव से पार करते हुए ताइवान, जिसका अर्लियर नेम फॉर्मोसा था, अभी नेम ताइवान और वर्ल्ड वॉर टू के समय जापानी सोल्जर के अंडर था, वहां से पार करते हुए जापान के ऊपर से फ्लाई करते हुए जो रशिया का मंचूरिया प्रोविंस है वहां लैंड करेंगे और वहां से सोवियत यूनियन एंटर करेंगे। ये उनका पूरा ट्रैक था जो मैप में मैं दिखा सकता हूँ। मंचूरिया के बारे में क्विक फैक्ट है कि मंचूरिया प्रोविंस दो पार्ट में, एक पार्ट रशिया में पड़ता है जिसको हम लोग आउटर मंचूरिया या रशियन पार्ट ऑफ मंचूरिया बोलते हैं एंड मेजर पार्ट ऑफ मंचूरियन प्रोविंस चाइना में पड़ता है जिसको हम लोग मंचूरिया के नाम से जाते हैं। तो ये सवाल तो क्लियर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा कहां रहे थे और रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल स्टोरी। तो नेताजी तो वियतनाम के साइगोन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं लेकिन वहां से जाने का कोई भी प्लेन अवेलेबल नहीं था, कोई आउटगोइंग प्लेन नहीं था। फिर अचानक से खबर आई कि एक जापानीज बॉम्बर प्लेन साइगोन एयरपोर्ट से होते हुए ताइवान फ्लाई करते हुए मंचूरिया जा रहा है। नेताजी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसी प्लेन में मेरे जाने की अरेंजमेंट्स किए जाए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बट खजाने की बॉक्सेस की साइज देखकर जो नेताजी अपने साथ कैरी कर रहे थे, जापानीज कर्नल ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इतने सारे बॉक्सेस और इतने लोग इस छोटी सी प्लेन में नहीं जा सकते। एंड बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्ट के बाद फाइनली दो लोग एंड 20 kg खजाना ले जाने का परमिशन मिला। तो नेताजी ने हबीबुर रहमान को अपने साथ में लिया एंड 20 kg गोल्ड को लेकर वो प्लेन में बैठ गया। याद रखना गोल्ड टोटल 80 kg था। तो प्लेन में चढ़ने से पहले नेताजी ने साफ दो इंस्ट्रक्शंस दिया कि IL और INA के जो भी मेंबर्स हैं उनको 3 महीने का एडवांस सैलरी प्लीज क्लियर कर दी जाए एंड दूसरा जो बाकी 60 kg गोल्ड है वो किसी सेफ जगह किसी सेफ हाउस में रख दिया जाए। फिर नेताजी प्लेन में बैठ के बढ़िया से साइगोन एयरपोर्ट से ताइवान तक पहुंच गए। लेकिन फिर ताइवान से दोपहर में 2:30 बजे उसी प्लेन से जर्नी करते बाद इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ। अब मैं उस कॉन्ट्रोवर्सी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता कि कुछ लोग बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ उस समय नहीं हुआ था, वो फाइनली सोवियत यूनियन गए, वहां काफी साल जिंदा रहे, 1968 में फाइनली डेथ हुआ, वो झूठ है कि इस बॉम्बर प्लेन के एक्सीडेंट में वो डेथ किए थे। मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि उस बॉम्बर प्लेन में नेताजी सुभाष चंद्र जी का डेथ हो गया। लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था जो पूरा इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बदल के रख दिया। ताइवान से मंचूरिया जाते हुए तो वो बॉम्बर प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, वो क्रैश हो गया एंड क्रैश होने के बाद उस समय तक ताइवान जापान के अंडर कंट्रोल में था, तो जापानीज मिलिट्री मेंबर ताइवान में रूल कर रहे थे, तो जापानीज मिलिट्री पर्सनल उस एरिया को सीज ऑफ किए, रेस्क्यू किए जो भी चीज रेस्क्यू हो सकता है। जापानीज मिलिट्री रिपोर्ट के हिसाब से वो प्लेन क्रैश के बाद 18 kg गोल्ड रेस्क्यू किया गया, 2 kg गोल्ड वाइप आउट हो गया, बर्न आउट कर गया, कहीं चले गया। तो याद रखना 20 kg गोल्ड में 18 kg गोल्ड यहां मिला था। फिर 8 सितंबर 1945 को जापानीज कर्नल ताकाकुरा रेस्क्यू किया गया गोल्ड, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IL के प्रेसिडेंट मुंगा रामामूर्ति को हैंडओवर किए अलोंग विद सुभाष चंद्र जी के आशेस के साथ। एंड कहा जाता है कि ये मुंगा रामामूर्ति INA स्कैम होने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था। तो इसी बीच नेताजी की मौत की खबर इंडिया में चारों तरफ फैल गई। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, कुछ लोग मान चुके थे कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत गंभीर माहौल हो चुका था इंडिया में। अब गोल्ड मिलने के बाद मुंगा रामामूर्ति और उनके भाई जे मूर्ति पूरा पैसों से लदे हुए थे और जापान वर्ल्ड वॉर टू में इतना मेजर मेजर धक्का खाने के बाद
न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद खाने तक लाला तक पूरा फाइनेंशियली टूट चुका था और ये लोगों के पास पूरा गोल्ड भरा हुआ था। और इस समय किसी भी इंसान के दिमाग में शैतान तो भारी हो जाता है। जहां एक तरफ जापान के लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, वहां ये दोनों भाई मिलके 3 सेडान इनफैक्ट रॉयल्स रॉय तक उतार दिए थे जापान के रोड पे। ये देखकर जापान सरकार और जापान में जो इंडियंस रह रहे थे वो लोगों को शक होने लगा, ऐसा कैसे हो रहा है। एंड अभी आप लोगों को याद होगा कि साइगोन वियतनाम में अभी भी 60 kg गोल्ड वहां है। ये 60 kg गोल्ड मीटिंग में आए हुए ऐसे अय्यर जो थे, जो सबसे सीनियर थे, वो लोग में से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि इस खजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं इसको सेफ रखूंगा। और फिर बाकी सब जो मेंबर्स थे INA और IL के वो वापस इंडिया वापस आ गए ऐसे अय्यर को छोड़ के। राज का बादल तो अब जमना शुरू हुआ था। रामामूर्ति और अय्यर ने दोनों कभी भी इस खजाने के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किए, लेकिन पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर इतना आसानी से छुपाया नहीं जाता। क्योंकि साइगोन के मिलिट्री ऑफिसर्स ने ऑलरेडी जापानीज मिलिट्री ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत सारा गोल्ड अपने INA के मेंबर्स के पास छोड़ के गए। फिर 1947 में जापान गवर्नमेंट ने चिट्ठी के जरिए इंडियन गवर्नमेंट को 80 kg गोल्ड के चोरी के बारे में सब डिटेल्स बताई, सभी के नाम लिखे हैं, रिक्वेस्ट किया कि सब गुनहगार को अरेस्ट किया जाए, लेकिन नेहरू सरकार उस समय इस चिट्ठी को टॉप सीक्रेट बना के रख दिए। फिर 23 जनवरी 2016 यानी सुभाष चंद्र जी के बर्थ एनिवर्सरी पर वो चिट्ठी रिलेटेड फाइल नेशनल आर्काइव में पब्लिक के लिए पहली बार ओपन कर दी गई। फिर सितंबर 1947 में इंडियन एम्बेसडर टू जापान KK चट्टूर में साफ साफ एक चिट्ठी में मुंगा और रामामूर्ति और ऐसे अय्यर के जो 80 kg गोल्ड स्कैम था उसके बारे में फिर से एक बार नेहरू जी को चिट्ठी दी, लेकिन नेहरू जी का स्टैंड टस से मस्त नहीं हुआ, वो अपने पोजीशन से हिले नहीं। फिर से 1951 में RD साथे जो कि जापान के वुड बी सेक्रेटरी थे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने बार बार रामामूर्ति और अय्यर के अरेस्ट एंड 80 kg गोल्ड का इन्वेस्टिगेशन के बारे में बार बार नेहरू जी के सरकार को रिक्वेस्ट किया, लेकिन एज यूजुअल नेहरू जी ने सब कंप्लेंट्स इग्नोर कर दिया एंड सब लेटर्स एंड चिट्ठी नेहरू जी छिपा दिए। इनफैक्ट साल 1951 में फिर से बंगाल के एक मिनिस्टर बिजान चंद्र रॉय ने नेहरू जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये गोल्ड के स्कैम को इन्वेस्टिगेट करिए, तो नेहरू जी ने लेटर के रिप्लाई बहुत सुंदर दिया, मेरे पास ये गोल्ड को इन्वेस्टिगेट करने का समय नहीं, यू नो आई एम बिजी। लाख बार वो चिट्ठी छिपा रहे, डॉक्यूमेंटेशन को सीक्रेट रख रहे, सब चीज से अवॉइड कर रहे, लेकिन उन पर एक अनड्यू अमाउंट ऑफ प्रेशर बनते जा रहा था कि सुभाष चंद्र बोस कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे कि नेहरू जी ऐसे ही दबा दे मैटर को। फिर 1951 के एंड में नेहरू जी ने छुपते छुपाते हुए ऐसे अय्यर को वापस जापान भेजा, जहां जाके ऐसे अय्यर पर मुंगा रामामूर्ति से मिले, दोनों बहुत डिस्कशन किए एंड अचानक से वो खजाना जो 6 साल से 7 साल से वो लोग छुपा रहे थे अचानक आउट ऑफ सडन हृदय परिवर्तन हुआ, वो लोग अब सब खजाना जापानीज गवर्नमेंट को लौटाना चाहते थे। तो वो लोग फिर जापान सरकार के साथ कॉन्टेक्ट किया, रामामूर्ति ने 18 kg गोल्ड में से 11 kg गोल्ड सरेंडर किया और ऐसे अय्यर 60 kg गोल्ड में माइंड बॉगलिंग 300 ग्राम गोल्ड सबमिट किए। मेरे को पता आप सही सुन रहे, हाँ जी, 300 ग्राम गोल्ड सबमिट किए 60 kg गोल्ड में से, क्योंकि ऐसे अय्यर के मुताबिक नेताजी तुमको 300 ग्राम ही गोल्ड ही देके गए थे। फिर रामामूर्ति और अय्यर के इस बिट्रेल पे इंडियंस जो जापान में रह रहे थे उनका खून खौल उठा और पूरा जापान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, पूरा मैसिव वाइल्ड फायर की तरह। सिचुएशन को गंभीरता होते हुए देख नेहरू जी ने बोला, अच्छा ठीक है अय्यर, तुम वापस इंडिया आ जाओ, वहां जाके बहुत कांड कर दियो। इंडिया आके नेहरू जी ने ऐसे अय्यर को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया, मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल पोजीशन, और वो 11 kg 300 ग्राम गोल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री के एग्जीबिशन में रख दिया गया। सिंगापुर में एक मर्चेंट थे हरदयाल सिंह के नाम से, वो नेहरू जी को चिट्ठी लिखे कि मेरे पास INA का 5.6 kg गोल्ड है जो मैं लौटाना चाहता हूँ नेहरू जी। तो नेहरू जी ने उसे साफ मना कर दिया, एनिमी प्रॉपर्टी बोल गया कि आप सिंगापुर में है, आप सिंगापुर में एक मर्चेंट है, सिंगापुर अभी ब्रिटिश कॉलोनी है और ब्रिटिश इंडिया का दुश्मन है, इसलिए आपका जो फंड है वो एनिमी प्रॉपर्टी और इंडिया का कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी के फंड से ताल्लुकात नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आई नो ये लाइन यहाँ एप्ट बैठ रहा है। और जनता पार्टी के MP सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अपने काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो साफ नेहरू जी को चोर डिक्लेयर कर दिया पूरे मीडिया के सामने कि नेहरू चोर। तो सभी रिपोर्ट्स एंड कंक्लूजन से हम लोग को ये पता चलता है कि नेहरू जी के दो महान साथी मुंगा रामामूर्ति और ऐसे अय्यर, ये तीनों मिलकर पूरा गोल्ड को हजम कर लिया और आज तक INA ट्रेजरी स्कैम को लेकर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया इंडिया। वैसे ताज्जुब का बात यह है कि जो गोल्ड अभी तक मिला नहीं उसकी कीमत आज के रेट में अप्रॉक्स 280 से 300 करोड़ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, याद है आजाद हिंद बैंक में 2 करोड़ रुपया सबमिट किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पे, जिसका आज का कीमत पता नहीं कितना होता है, वो भी नहीं मिला। इंडिया की सबसे पहली स्कैम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। अभी तक वॉलकॉम के साथ हो, थैंक यू लास्ट तक इतना पेशेंटली सुनने के लिए, और हो तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और जो भी रिचुअल्स है करते हुए जाना। आने वाले वीडियोस इंडिया से रिलेटेड और भी जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक गजब टॉपिक के साथ।